एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने 163 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन जीत के बाद भी पिछले 5 दिनों से मुख्यमंत्री पद के लिए मंथन जारी है। इस बीच प्रहलाद पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मुलाकात ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। ये मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब एमपी में सीएम फेस को लेकर मंथन चल रहा है और शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल दोनों का ही नाम सीएम फेस की लिस्ट में माना जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद प्रहलाद पटेल पहली बार 7 दिसंबर को भोपाल पहुंचे। दिल्ली से भोपाल पहुंचते ही प्रहलाद पटेल के नाम पर मुहर लगने की बात और भी तेज हो गई। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रहलाद पटेल से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें काफी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान प्रहलाद पटेल ने अप्रत्याशित जीत के लिए शिवराज को बधाई दी, लेकिन सवाल ये कि नतीजे 3 दिसंबर को आए और बधाई देने में प्रहलाद पटेल को 5 दिन लग गए। इसी वजह से जानकार इसे टाइमिंग का सारा खेल मान रहे हैं, क्योंकि खबर है कि फिलहाल सीएम रेस के मामले में प्रहलाद सिंह का नंबर काफी आगे चल रहा है। उनके बाद नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर भी चर्चा तेज है, लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान को लेकर वो चर्चा देखने को नहीं मिल रही। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने भी दिल्ली जाने से साफ मना कर दिया, जिस तरह से उन्होंने सिर्फ लोकसभा चुनाव पर फोकस करने की बात बोली, जानकार तो इस बात से भी ये मानकर चल रहे हैं कि आलाकमान ने अपना फैसला शिवराज को बता दिया है। शायद इस बार उनका फिर सीएम बनना मुश्किल है। बड़ी बात यह है कि अभी तक सीएम चेहरे को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसकी घोषणा तो सोमवार को संभव है, जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से समीकरण लगातार चल रहे हैं, उससे प्रहलाद पटेल सिंह बाजी मारते दिख रहे हैं। वही सीएम फेस के ऐलान से पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये पर्यवेक्षक अब विधायकों से बात करेंगे और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार का पता लगाएंगे। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। प्रहलाद सिंह पटेल को लेकर इस बार इतनी चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि सियासी महकमे में बात यह हो रही है कि इस बार नए चेहरे को मौका देना चाहिए। अब नए चेहरों में पटेल बीजेपी के लिए जातीय समीकरण के लिहाज से मुफीद बैठते हैं। असल में प्रहलाद सिंह पटेल लोधी समुदाय वाले ओबीसी है। एमपी में उनकी तादाद निर्णायक है। वो जिस लोधी समुदाय से आते हैं, उससे उमा भारती भी है। खुद शिवराज सिंह चौहान भी एक ओबीसी चेहरा रहे हैं। इसी वजह से पार्टी समुदाय को खुद से दूर नहीं करना चाहती। अगर शिवराज सिंह चौहान को मौका नहीं दिया गया तो पार्टी को डर है कि कहीं इतना बड़ा वोट बैंक नाराज ना हो जाए। इसी वजह से ओबीसी की जगह दूसरे ओबीसी चेहरे को आगे करने की चर्चा तेज है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।